चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे इस किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन आलू और चना दाल की सब्जी। बहुत ही जल्दी बन जाती है, वो भी प्रेशर कुकर में। अगर घर पे कोई भी सब्जी ना हो तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो गाइज, यहाँ आलू सोयाबीन और चना दाल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू कट कर लिया हुआ है, यहाँ पे सोयाबीन ले लिया हुआ है, ये चना दाल मैंने भिगो के रखा हुआ था, और यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर कट कर लिए हुए, ये मैंने प्याज कट कर लिया हुआ है, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, यहाँ पे हल्की क्वांटिटी में गरम मसाला है, अदरक लहसुन कुट लिया हुआ है, यहाँ पे गरम मसाला है पाउडर, और ये हमारा फोरन के लिए तेज पत्ता, जीरा और मिर्ची। और इतने ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे बड़ी ही मजेदार सब्जी। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया हुआ है जिसमें हम तेल ऐड कर लेंगे। तेल को गरम कर लेते हैं अच्छे से। तेल हमारा गरम हो गया, उसमें हम ऐड कर देंगे गोटा गरम मसाला, के बाद इसमें ऐड कर देंगे जीरा, तेजपत्ता और मिर्ची। सारे गरम मसाले लाल हो गए, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हमने प्याज ऐड कर दिया, प्याज को अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन तक होने से हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 5 मिनट तक। हमारा आलू भी 5 मिनट तक फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन जो हमने कूट के रखा हुआ था वो हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद अदरक लहसुन के साथ हम आलू को थोड़ी देर तक फ्राई कर लेते हैं। हमारा अदरक और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेते हैं। हमने टमाटर को भी फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोयाबीन। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चना दाल। अब इन सबको हम अच्छे से फ्राई करते हैं, 2 या 3 मिनट तक हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट मैंने फ्राई कर लिया है सभी को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपको जितना पसंद हो आप उतना ही ऐड करें, हल्दी पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जीरा पाउडर, चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना ही ऐड करें। और इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला। अब इनके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। अब सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। देख सकते हैं हमारा मसाला सारा मिक्स हो चुका है सब्जी के साथ। आप ऐसे ही करके सारे मसाले को 5 मिनट तक सब्जी के साथ भून लें। मसाला और हमारा सब्जी जो एक साथ अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही करके पानी ऐड करें, क्योंकि एक बार में पानी ज्यादा चला जाता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। हमने एक लेवल तक ही पानी ऐड किया हुआ है, आप भी इतना ही ऐड कर लें। और अब हम इसको ढक देते हैं, ढक के इसको 3 सीटी लगा लेते हैं। तो 3 सीटी अब लग चुका है, अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए बहुत अच्छे से हो चुका है, अब हम इसको चला लेते हैं। हमारी हो गई है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।
करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है, उसमें हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही जल्दी और झटपट सी बन जाती है। अगर घर पे सब्जी ना हो तो आप ये भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब्जी हमारी बनके रेडी है। तो गाइज यहाँ मेरी सब्जी बनके एकदम रेडी है। होप गाइज आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।